भिवंडी में पानी की किल्लत झेल रहे वार्ड नंबर 5 के कारपोरेटर फराज बाबा बहाउद्दीन ने मनपा की दीवारों पर पेंट से लिख दिया कि पानी दो वार्ड नंबर 5 में। पानी के लिए अनोखा विरोध प्रदर्शन भिवंडी में देखने को मिला है। पेंट से लिखने के बाद धरने पर भी बैठ गए। कारपोरेटर का कहना है कि वार्ड नंबर 5 में 1.5 महीने से पानी की किल्लत हो रही है। मनपा में कई बार इसकी शिकायत भी की गई मगर मनपा इस पर ध्यान नहीं दे रही है। हमारे सहयोगी फिरोज मेमन ने कारपोरेटर फराज बाबा बहाउद्दीन से क्या बातचीत की है, सुनिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 1.5 महीने से मैं इनके चक्कर मार मार के थक गया हूँ कि मेरे वार्ड में वार्ड नंबर 5 में पानी नहीं आ रहा है। कोई सही से जवाब नहीं देते। चीज़ों के बारे में टेक्निकल बता रहा हूँ इनको, क्या मिस्टेक है, चालू पानी क्यों बंद हुआ है। कमिश्नर साहब को कंप्लेंट किया, गायकवाड़ साहब को कंप्लेंट किया, पटना वार्ड तो कोरोना की वजह से बीमार है, पिछले 10 दिन से मैं उसको कुछ बोल नहीं सक रहा हूँ। लेकिन ये जो पिछले 1.5 महीने से पानी नहीं आ रहा है, लोग हमारे घर के ऊपर हमको जाना हराम किए, लोगों ने रोज़ हमारे घर पर मोर्चे आ रहे हैं और ये लोग बैठ के सिर्फ यहाँ मलाई खाएंगे क्या। इसके ऊपर आपने कितने दिनों से मतलब आप इनको फॉलो कर रहे हैं? 1.5 महीने से नाटक चालू है कि मैं बोल रहा हूँ मुराद चालू पानी बंद हुआ है मेरे वार्ड का, और मेरे वार्ड में 2 बार पानी आता है। 2 बार से मुराद है, एक आता है दोपहर 3:30 बजे और एक आता है सुबह 3:30 बजे। सुबह 3:30 बजे जो आता है वो आता है कसाईबारा, इस्लामपुरा, जैतूनपुरा वाला पट्टा, वो भी डिस्टर्ब है मेरा। और दोपहर में 3:30 बजे जो आता है उसमें निज़ामपुरा रहता है, माडा रहता है, इसके बाद में फूड इन होटल का पट्टा रहता है, ये खड़क तक जाता है। ये तो बदतर मतलब बहुत बहुत ख़राब डिस्टर्ब हुआ है, 4 साल में डिस्टर्ब नहीं हुआ था। इनको समझा के हैरान हुआ हूँ कि इस टाइम वाले कुछ बदमाशी कर रहे, इनकी औकात नहीं इस टाइम वालों से बात करने की, इतना डरते हैं लोग इस टाइम वालों से। इस टाइम वाले क्या फुकट पानी देते हैं इनको? आपने कुछ इस टाइम वालों से डायरेक्ट बात करने की कोशिश की? क्या मीटिंग हुई? इस टाइम वालों का एक ही कहना है कि हम क्या करना मतलब, और इनकी ताकत ही नहीं इस टाइम वालों से बात करने की। शर्म लगती है मुझको इस टाइम वालों से बात करने, डरते हैं लोग। इनको बोलना इस टाइम वालों से मीटिंग लगाओ, कुछ नहीं, कुछ करने नहीं तैयार है। आपका कहना है कि यहाँ पे पूरे के पूरे जिम्मेदार नगरपालिका उस टाइम वाले हैं पानी ना आने की वजह से? पूरे की पूरी तरीके से नगरपालिका। अगर हम इस टाइम को टाइम टू टाइम पैसा दे रहे हैं तो इस टाइम हमको पानी क्यों नहीं दे रहा है? इनको मैं पिछले 1.5 महीने से बोल रहा हूँ कि हर लाइन के ऊपर आप मीटर लगा के चेक करो कि इस टाइम हमको पानी कितना दे रहा है। इन्होंने आज तक नहीं किया। इस टाइम वाले पिछले 1 महीने से हड़ताल के ऊपर है। अगर कोई काम करने जाते हैं तो इनको वापस हकालते हैं और ये लोग बेशरम वापस आते हैं। किसी की बिल्डिंग तोड़ने जाते तो वापस नहीं आते, लेकिन अगर पानी का लाइन का काम करना जाना है और वहाँ पे इस टाइम का वर्कर इनसे आँख दिखाता है तो ये धूम दबा के वापस आते हैं, ये पुलिस लेके नहीं जाते। कहीं ना कहीं आपका कहना है कि यहाँ पे पब्लिक को जो परेशानी हो रही है तो उसे कॉरपोरेशन को कोई लेन देन नहीं? इनकी जिम्मेदारी है सिर्फ घर पट्टी वसूली, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट घर पट्टी वसूली में लगा दिए। अरे घर पट्टी वसूली करके क्या करने वाले हो आप? मूलभूत सुविधा आप नहीं दे रहे हो। पूरा डिपार्टमेंट 31 मार्च तक पूरा डिपार्टमेंट वसूली पे जाएगा। अरे काम कौन करेगा? हमारे घर पे जो मोर्चे आ रहे हैं, हमारे मोहल्ले में जो मोर्चे आ रहे हैं मेरे माँ बहनों के, इनको जवाब कौन देगा? 1 साल पहले मैंने इनको एक लेटर दिया था, मैं आपको बताता हूँ। 1 साल पहले इस टाइम जो है एक प्राइवेट कंपनी है, इसका पहले एक कर्नल करके जो बंदा था, इसका पहले उसका चेयरपर्सन था, 1 साल पहले उसको हटाए, उसके जगह पे इन्होंने थाना के कमिश्नर को बनाए, सॉरी थाना के जो मेयर है उसको बनाए, ठीक है, मस्के को। उस टाइम मैंने लेटर दिया था कि अगर थाना कॉरपोरेशन का मेयर इस कुर्सी से बैठा तो ये हमको तकलीफ आएगी, तो इस पर आवाज़ उठाई जाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं थाना के लिए ज़्यादा पानी लेगा, हमको पानी कम देगा। 10 महीने पहले मेरा लेटर है, उस लेटर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की और आज वही तकलीफ हमको आ रही है। तो ये जो पानी की तकलीफ है ये सिर्फ आपके ही वार्ड में है कि पूरे प्रभाग में या पूरे भिवंडी में है? मैं तो मेरे वार्ड की बात करूँगा, मैंने दोनों जोन की बात करूँगा। मैं प्रभाग चेयरमैन भी हूँ, मुझको और जगह से भी कंप्लेंट आती है, लेकिन कहीं ना कहीं पहले मैं मेरे वार्ड का नगर सेवक हूँ, पहले मेरी जिम्मेदारी मेरे वार्ड को पानी पहुँचाने का। चालू पानी क्यों बंद हो रहा है? इनसे मैं एक ही सवाल कर रहा हूँ कि जहाँ पे 4 साल से पानी आ रहा था वहाँ पानी क्यों बंद हुआ? कोई तो बदमाशी हो रही है वहाँ से, कुछ ना कुछ लाइनमैन कुछ कर रहा है, वहाँ से वाल कम खोला जा रहा है, पानी कम फेंका जा रहा है, लेकिन इनके तो कानों पे जू ही नहीं रेंग रही है। तो आपका क्या कहना है, अभी अगला कदम आपका क्या होगा? कदम मैं यहाँ से उठूंगा ही नहीं, रात हो के दिन हो, जब तक मेरे वार्ड से मुझको कंटिन्यूटी में फ़ोन नहीं आएगा यहाँ से उठूंगा नहीं। और अब मैं इनको सबको बाहर निकालूंगा कि अगर आप पानी नहीं दे सकते हो तो फिर आपको ये डिपार्टमेंट खोलने का कोई राइट नहीं है।